बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जलालपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट पर काम जारी है और ये काम जो आपको नज़र आ रहा है ये लिल्ला के पास, लिल्ला के जनूब मगरब में एक गांव है डुडी थल, उसके जनूब में ये काम जारी है। ये क्रेन सामने आपको नज़र आ रही हैं, जूमिंग में ये क्रेन लगी हुई हैं और मकामी लोगों का ये बताना है कि ये पानी की जो पहाड़ी पानी है उसकी निकासी बनाई जा रही है। ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है, ये नहर का बेड है और ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज है कहाणा और इसावाल की तरफ जो रोड जाता है, सिंगल रोड जाता है, ये उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं विलेज रोड ब्रिज RD297+148, ये ब्रिज का नंबर है। तो ये मगरब की तरफ अभी काम थोड़ा आगे काम जारी है, लेकिन यहाँ से आगे काम अभी शुरू नहीं किया गया। यहाँ पर ब्रिज बनाई गई है और ब्रिज तकरीबन 95% जो है वो कंप्लीट हुई पड़ी है और इसके साइड पे मिट्टी वगैरह डालने वाला काम बकाया है। तो बड़ी मज़बूत ब्रिज बनाई है, लेकिन थोड़ा ब्रिज जो है वो तंग है, मतलब कि जहाँ पर क्रॉसिंग जो है मेरे ख्याल में मुश्किल होगी। ये सामने आपको मवेशी भी नज़र आ रहे हैं और सामने जो क्रेन्स हैं वो लगी हुई हैं और काम जारी है। ये नहर का बेड है, ये जो रास्ता सा आपको नज़र आ रहा है ये दरअसल नहर का बेड है। ब्रिज खासी ऊंची है और ये गांव है डुडी थल का। ये जो आपको नज़र आ रही है आबादी, ये डुडी थल है, बिल्कुल लिल्ला कट्ठा रोड के साथ ही है ये गांव और उसके साथ साथ ये नहर आ रही है। सूरज ग़ुरूब होने वाला है और ये इसका मगरब साइड है। तो ये ब्रिज इस वक्त यहाँ पर कंप्लीट हुई है और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे तकरीबन 2 किलोमीटर बाद ये है दोबारा काम, 2 किलोमीटर तक कोई काम नहीं और उसके बाद तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर बाद दोबारा काम जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये ब्रिज का एक और व्यू है। ये डुडी थल के पास मेन रोड के पास ही ये मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पर मटीरियल जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये उसके बाद आगे थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर तकरीबन चल के यहाँ पर दोबारा काम जो है वो जारी है। यहाँ पर एक बड़ी सी मस्जिद है और उसके मेन रोड के ऊपर जहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि ये मस्जिद सब मुसलमानों के लिए है, उस मस्जिद के बिल्कुल साथ से ये काम जारी है और बिल्कुल रोड के पास ही है ये काम हो रहा है। यहाँ पर भी ये ब्रिज बनाई गई है और ये उससे भी थोड़ी सी बड़ी ब्रिज है। ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है और ये मशरक साइड है, यहाँ से खुदाई का काम जो है तकरीबन मुकम्मल हुआ पड़ा है, लेकिन बैंक्स वगैरह जो हैं वो अभी बनाने रहते हैं। ये यहाँ पर हल मारे गए हैं और ये कल ही बारिश हुई है तो यहाँ पर आपको पानी भी नज़र आ रहा है। ये ब्रिज भी तकरीबन कंप्लीटेड है और ये जनूब इसके मगरब में जो है वो काम जारी है। इस वक्त मशीनरी भी वर्क कर रही है, सर्वे वाले भी हैं, यहाँ पर आपको डंपर्स भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी खुदाई का काम तो तकरीबन हुआ पड़ा है। साइडों पर उन्होंने लाल जो हैं झंडे लगाए हुए हैं जो नहर की बाउंड्री है उसको शो कर रहे हैं। ये आप सर्वे वाले देख रहे हैं, ये सर्वे भी कर रहे हैं, लेवल किया जा रहा है और सामने जो हैवी मशीनरी भी वर्क कर रही है। तो ये कंधवाल से थोड़ा पहले और लिल्ले के बिल्कुल साथ ही ये काम इस वक्त जारी और सारी है। एक दोस्तों कुछ दिन पहले व्लॉग बना रहा था कि काम रुक गया, लेकिन काम रुका नहीं है, बल्कि वहाँ जो है हेड रसूल से आगे काम मुकम्मल हुआ पड़ा है और ये आगे काम तेज़ी के साथ जारी है। ये आपको लाल जो है निशानात नज़र आ रहे हैं, झंडे नज़र आ रहे हैं और ये भाई सर्वे कर रहे हैं और ये बता रहे थे कि इस वक्त यहाँ पर रोड भी बनाया जा रहा है साइड्स पर, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो अच्छे खासे खुले बनाए जा रहे हैं और दोनों तरफ जो है वो निशानात भी रोड के लगाए हुए हैं इन्होंने। तो इनसे जब बात की है तो उन्होंने बताया है कि ये साइड्स पे जो है रोड बनेगा और अच्छा खासा खुला रोड बनेगा और मैंने इनसे पूछा कि ये नहर यहीं तक अभी काम मुकम्मल हुआ है अभी और इससे आगे फिर बड़ी नहर नहीं जाएगी, तो ये बता रहे थे कि नहर ने जो जहाँ तक नक्शा नहर का है वहाँ तक नहर मुकम्मल की जाएगी।
और साइडों पर जो है बड़ा रोड भी बनाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त तो काम बहुत तेज़ी के साथ जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर जारी है और उम्मीद है इंशाल्लाह 2024 तक इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नहर को अभी पक्का किया जाना भी बाकी है और इंशाल्लाह साइड्स पर रोड भी बनेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह जैसी जल्द दोबारा नई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।